अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, बराए मेहरबानी उन्हें देख लें ताकि आपको ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ को समझने आए हैं तो वो लेक्चर के साथ बने रहिए। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जैसे कि हमने वर्डन का फॉर्मूला ड्राइव किए थे, दो फॉर्मूले थे, एक तो था इरिवर्सिबल के लिए, यानी कि एकदम वेट उठा दिए तो पिस्टन कैसा फास्टली ऊपर चला जाएगा, है ना। ये जो वर्डन था इरिवर्सिबल था, इसको रिवर्स कर सकते थे क्या? नहीं, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि हम एक एक स्टेप में एक एक वर्क को क्या करते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं वेट को, एक एक वेट को उठाते जा रहे हैं, तो पिस्टन स्लोली मूव हो रहा था। तो ये जो फॉर्मूला था ये रिवर्सिबल वर्क का था। अब हमने फॉर्मूला तो ड्राइव किए, अब इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखिए, चलिए साइन कन्वेंशन फॉर वर्क इसको समझने के लिए फिर से डायग्राम बनाता हूं। और हमारे केमिस्ट्री में बच्चों ज्यादातर यही डायग्राम है, थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में बस यही डायग्राम आपको यूज होगी। कौन सी, आप समझ ही गए होंगे बनाने से पहले। पिस्टन सिलेंडर, ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या पड़ेगी, गैस। और जिन बच्चों को नहीं पता वो जान ले कि ये क्या है, पिस्टन है, और ये क्या कहलाता है, सिलेंडर, और इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस, ठीक है। चलिए बच्चों अब जरा ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो साइन कन्वेंशन का होना जरूरी है, वरना प्लस माइनस के मिस्टेक्स हमसे हो जाएंगे। चलिए बच्चों जरा देखिए, अगर सिस्टम में जो गैस है, गैस एक्सपांड हो रही है, गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स किसको धक्का देंगे, पिस्टन को। और पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पिस्टन ऊपर चला गया तो बच्चों जरा एक चीज याद रखिए कि गैस ने पिस्टन को जब ऊपर भेज दिया तो गैस की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। सोचिए ना, हम किसी चीज को ऊपर उठाकर पकड़े अगर थोड़ी देर के लिए तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पर, यानी एटमॉस्फेयर पर वर्क किया, यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, सराउंडिंग है ना, सिस्टम ने सराउंडिंग पर अगर वर्क किया तो वर्क क्या होगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि हमारे सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी हम क्या कहेंगे, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से वर्क हुआ, सिस्टम ने वर्क किया तो वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव। यानी वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा, डब्ल्यू यानी कि वर्क, निगेटिव यानी कि माइनस, समझते ना आप लोग। चलिए, लेकिन अगर मैंने ऊपर से फोर्स लगाया, ऊपर से क्या लगाया हमने, फोर्स लगाया, तो पिस्टन कहां आएगा, नीचे आएगा। अब सोचिए, जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो गैस की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स पूरे एक जगह आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जब एक जगह कोई चीज आती है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारा जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि हम क्या बोलेंगे, इफ वर्क इज डन बाय द, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर हमारा वर्क हुआ तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से किसका मामला है, हीट का मामला है, किसका मामला है, हीट का मामला है। हीट यहां पे लिख देंगे, वर्क साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट लिख देते हैं, चलिए ठीक है। बिल्कुल वर्क के जैसा ही किसका मामला है, हीट का है। यानी कि
अगर हम हीट देते हैं सिस्टम को तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर सिस्टम से हीट रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट सप्लाई करे तो कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। इफ हीट इज रिमूव की जगह रिलीज लिख दीजिए अच्छा होगा, इफ हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट क्या होगी, रिलीज होगी तो क्या होगी, वो निगेटिव होगी। चलिए समझ में आ गई बात, तो ये साइन कन्वेंशन देखिए। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी। और एग्जैक्ट मायनों में इंटरनल एनर्जी की एनर्जी बहुत ही डीप कंसेप्ट है, तो इसको जरा अच्छे से समझिए, इसको नोट कीजिए। ओके चलिए बच्चों, हमारा जो अहम टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, उसे शुरू करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल यानी के अंदरूनी, एनर्जी मतलब एनर्जी जो भी तवानाई है, यानी के इंटरनल कितनी एनर्जी है किस सब्सटेंस की, वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। अब आप कहेंगे कोई भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी मतलब के क्या, चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। कंसिडर कीजिए बच्चों के कोई एक बीकर है, कंसिडर कीजिए कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है वाटर। ये क्या है, वाटर बच्चों, इसके अंदर वाटर है। अभी अगर देखेंगे तो एकदम स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि अगर कोई भी कहेगा तो कहेगा वाटर क्या हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, थोड़े से वाइब्रेट हो रहे हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट है उसके वजह से एक एनर्जी उनके अंदर है। यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वो भी कौन सी एनर्जी कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, वाइब्रेशन है, समझे ना। और उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्या हो रहे होंगे बच्चों, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से रोटेट हो रहे होंगे। अब मॉलिक्यूल्स रोटेट हो रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। चलिए अब वो मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स किससे मिले, ये वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ऑक्सीजन के एटम के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। अब देखिए, अब अगर देखते हैं एटम के अंदर, यहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है सेंटर में, अराउंड में कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसके अंदर भी एनर्जी होगी ना, तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में बात, अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है किसके टुवर्ड, प्रोटॉन के, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस, चलिए अभी ये कौन सी बात हुई लिक्विड की, अगर हम कोई सॉलिड लेते हैं, सॉलिड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उनके एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। सॉलिड के अंदर भी एटम्स जो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, उन एटम्स के अंदर भी कोई एनर्जी है ना। एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहा है बल्कि प्रोटॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो घूमने की काइनेटिक एनर्जी, अट्रैक्शन की कौन सी एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो मॉलिक्यूल्स, ये अब इसके ऊपर आ जाइए, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में घूम रहे हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कौन सी, रोटेशनल। मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट हो रहे, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, वाइब्रेशन की। ये जो छोटे छोटे एनर्जीज होते हैं, ये तमाम छोटे छोटे एनर्जी का जब सम करते हैं तो जो एनर्जी मिलती है
वो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यानी के सिस्टम के अंदर के तमाम छोटे छोटे एनर्जी की जब हम जमा कर लेंगे जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कहलाती है बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम नहीं निकाल सकते हैं कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही टाइप्स के छोटे छोटे एनर्जीज होते हैं, तो उसको कैलकुलेट करना इजी है क्या? नहीं। लेकिन इस एनर्जी का चेंज हम बता सकते हैं कि एनर्जी कितनी चेंज हुई, यानी कि एनर्जी कितनी कम और कितनी ज्यादा हुई। वो कैसे मैं आगे बताता हूं, पहले हम इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा लिख लेंगे। समझ में आ गया ना? पक्का? चलिए लिखते हैं। और देखिए इंटरनल एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? फिक्स्ड, यानी कि वाटर है ना, कंसीडर कीजिए वाटर है, तो ये वाटर के अंदर जो एनर्जी होगी वो उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर है मेरे पास, तो इतने वाटर की जो इंटरनल एनर्जी होगी क्या होगी? वो फिक्स्ड होगी, क्योंकि उसके पास मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हैं। समझ में आ रहे ना? और अगर कोई सब्सटेंस है तो उसकी भी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों? फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं इट इज फिक्स्ड एनर्जी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। ये फिक्स एनर्जी है जो कि किसी भी सब्सटेंस में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। यानी कि क्या है इंटरनल एनर्जी? क्या है कि सम है कि उसमें कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशन हो, रोटेशनल हो, या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कशिश कर रहे हो, या फिर मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का घूमना हो, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना हो, पोटेंशियल एनर्जी, ये तमाम टाइप्स ऑफ एनर्जी के समेशन को क्या कहते हैं हम? इंटरनल एनर्जी। चलिए इसे डिनोट कैसे करते हैं? थर्ड पॉइंट, तो हम लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको कैसे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? इसको कैसे डिनोट करेंगे? यू से। चलिए ठीक है, इतना काफी है इंटरनल एनर्जी के बारे में। और दूसरी खास बात, इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन है। तो लिखना है तो लिख सकते हैं आप के इट इज पॉइंट फंक्शन। ये पॉइंट फंक्शन है, और मैंने अभी क्या कहा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलक्यूलेट। लेकिन हम इसके अंदर का जो चेंज है वो क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं फर्स्ट लॉ का, यानी कि फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली हम कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें देना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, और जैसे मैं कोई एग्जांपल दूंगा आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए पिस्टन सिलेंडर, ना के चोटी और हाथी। समझे ना? चोटी और हाथी की एग्जांपल देनी है क्या? नहीं, हमें एग्जांपल किसी देनी है पिस्टन और सिलेंडर की। तो कंसिडर कीजिए,
चलिए बच्चों, ये पिस्टन है और ये क्या है, सिलेंडर, उसके अंदर क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई। अब जरा गौर कीजिए बच्चों आप कि अगर मुझे इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ानी है, समझे सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी है, इस सिस्टम की जो एनर्जी है बच्चों अभी अभी इस स्टेट पे, इसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी। क्या है, इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए अगर मैंने इसको थोड़ी सी क्या दे दी यहां पर, हीट दे दी। क्या दे दिया मैंने, हीट दे दिया। हीट दिया यानी कि इसमें मैंने थोड़ी सी हीट क्या की बच्चों, ऐड की। तो मुझे बताइए इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, यू प्लस क्यू, यानी कि क्यू जितनी एनर्जी क्या होगी उसकी, बढ़ गई इंटरनल एनर्जी। अब कंसिडर कीजिए मैंने ऊपर से क्या लगा दिया, फोर्स, तो पिस्टन कहां आ गया, नीचे। पिस्टन नीचे आया, गैस कॉम्प्रेस हुई, तो देखिए इस सिस्टम की एनर्जी फिर से बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, वर्क किया। क्योंकि मैंने सिस्टम पे क्या किया, वर्क किया। हमने पहले देखा था सिस्टम पर वर्क करते हैं तब भी एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम को हीट करते हैं तब भी एनर्जी बढ़ती है। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुई, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई। तो अब इस टोटल एनर्जी सिस्टम कितनी है अगर बताना है तो हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसकी टोटल एनर्जी है U2, इतनी एनर्जी आप सिस्टम के पास है। सर पहले इसके पास थी U टाइप्स ऑफ एनर्जी, फिर आपने इसमें दे दिया हीट तो इतनी एनर्जी और ऐड होगी, फिर आपने थोड़ा सा कर दिया वर्क तो इतनी एनर्जी और ऐड होगी, और इन सब का समेशन मिलाकर हम बोलेंगे इतनी एनर्जी अभी सिस्टम के पास है, यानी कि सिस्टम के पास इतनी एनर्जी अब है। ठीक है, चलिए देखिए अगर U1 कंसिडर करते हैं, चलिए अब U1 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस में U1 इज इक्वल टू क्यू प्लस में W। U2 माइनस U1 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू। तो यहां पर क्या आ गया, क्यू प्लस में W। समझ गए, यही था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कुछ हार्ड था नहीं। देखिए मैंने क्या कहा कि हमने एक सिस्टम ले लिया है ना, तो अब इसको थोड़ी सी इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी थी U1, इसको हमने हीट दी तो इसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी और बढ़ी। कितनी बढ़ी कि U1 प्लस में Q। हमने थोड़ा सा वर्क किया तो इसमें इंटरनल एनर्जी और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, U1 प्लस Q प्लस में W। तो अब टोटल कितनी एनर्जी इसके पास है, तो इसके पास एनर्जी है U1 प्लस में Q प्लस में W, यानी कि अब इंटरनल एनर्जी कितनी इसके पास, U2। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस में W। समझ में आ गई बात, यहां पर Q क्या है, हीट, W क्या है, वर्क, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत क्या लिखनी होगी, थ्योरी लिखनी होगी। ठीक है, तो थ्योरी क्या लिखनी है आपको, थ्योरी में ये लिखने का है कि कंसीडर अ सिलेंडर, ठीक, कंसीडर सिलेंडर इन विच गैस इज केप्ट, उसके अंदर क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है, एंड सिलेंडर इज क्लोज्ड बाय पिस्टन। सिलेंडर किससे क्लोज करने वाला है, एक पिस्टन से क्लोज कर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये इतना ड्राइव करने के बाद हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हम ये लिखना है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या है बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद लिख देना है क्यू क्या है, क्यू था हीट। उसके बाद लिख देना है वर्क क्या है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वर्क। समझ गए बच्चों, तो अब ये रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि हम इसमें से हीट निकाल भी सकते हैं। तो यहां पे क्यू पॉजिटिव आएगा कि क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। वर्क सिस्टम से कर भी सकते हैं सराउंडिंग पे, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, तो यही है हमारा फाइनल इक्वेशन, यही हमारी फाइनल इक्वेशन जो कि क्या ड्राइव करती, क्या बताती है, फर्स्ट लॉ। अगर फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखने के लिए कहा तो
आप ये इक्वेशन याद रख लीजिए, यही फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद के लेक्चर में हम ये जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन अभी ड्राइव किए ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इस इक्वेशन को हमने जो पिछली दफा प्रोसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, इन तमाम प्रोसेस में इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। तो अगले लेक्चर को देखने से पहले आप वो तमाम प्रोसेस को एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको अगला लेक्चर समझ में आएगा, वरना अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। कौन से प्रोसेस पढ़ने हैं? आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, चार प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और प्रीवियस पूरे लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्रीवियस लेक्चर्स वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है।